अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन हसन और आप सुन रहे हैं चौमिन पॉडकास्ट। होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ माय 17th एपिसोड एंड इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और आज डेट है 24th नवंबर। फाइनली आई वॉच द लेजेंड ऑफ मौला जट डायरेक्टेड बाय बिलाल नशारी। मूवी बहुत अच्छी है। मुझे अपनी बहुत शुरू की अपनी एक मेमोरी याद है। एक मूवी हम लोग देखने गए थे, सैयद नूर की मूवी लगी थी जीवा, और वो पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जो मैंने देखी थी कैपरी में। और अच्छा, अप्पा हमारे बहुत अप्रिशिएट नहीं करते थे थिएटर सिनेमा जाने को, स्टिल नाउ, लेकिन हमारे चचा हमें लेके गए थे और हम कज़न्स भी थे, खाला चची बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स गए थे और बहुत मज़ा आया था। मुझे याद है वो टोटली कमर्शियल फिल्म है, गाने उसके बहुत ज़बरदस्त थे। और फिर अभी ये मैंने सेकंड मूवी देखी है, द लेजेंड ऑफ मौला जट। इट्स नॉट अ कमर्शियल फिल्म, इट्स अ पंजाबी एक्शन ड्रामा टाइप मूवी। सोशल मीडिया पे आप मूवी रिव्यूज़ तो देख ही रहे हैं, 200 करोड़ जो है वो उसने बिजनेस कर लिया है। इंक्लूडिंग मी, फॉर ऑल फवाद खान लवर्स इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच। आई वुड से बोथ फवाद एंड हमजा हैव एन इलेक्ट्रिफाइंग केमिस्ट्री सिमिलर टू सुल्तान राही एंड मुस्तफ़ा कुरैशी। एक्टिंग वॉज अमेजिंग, कैरेक्टर्स वर स्ट्रॉन्ग। इफ़ यू हैवेंट सीन दिस मूवी, यू मस्ट वॉच इट वंस। मूवी आप यकीन करें, डाइजेस्ट नहीं हो रही थी मुझे कि हम लोग भी ऐसी मूवी बना सकते हैं। हमजा अली अब्बासी, उनका काम बहुत ज़बरदस्त था। हिज परफॉर्मेंस इज़ आउट क्लास, हिज वॉइस टोन एंड एक्शन गिव लाइफ टू द फिल्म। अगर हम पुरानी बात करें 1979 की, एट वन पॉइंट द ओरिजिनल मौला जट वॉज बैंड बाय ज़ियाउल हक ड्यूरिंग मार्शल लॉ ड्यू टू इट्स एक्सेसिव वायलेंस एंड सेक्शुअल कॉन्टेंट। कहा जाता है कि उस ज़माने में नूरी न तो मौला जट के कैरेक्टर को कहा जाता था कि भुट्टो और ज़ियाउल हक हैं। नासिर अदीब साहब अगेन ब्रिंग बैक सम ऑफ हिज वंडरफुल लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल नवाए हैं सोनिया। मेरे हिसाब से इट्स मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये शेक्सपियर एक्शन ड्रामा टाइप फिल्म है। इट्स नॉट अ कमर्शियल फिल्म, इसमें कोई गाने ठुमके कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक साइमा बलोच का डांस मून परफॉर्मेंस है, बहुत ज़बरदस्त है। मूवी को ज़रूर देखें, मेरे हिसाब से ये वन टाइम मूवी है देखने के लिए। बट इसमें देखें, कोई मूवी परफेक्ट नहीं होती, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना, इसमें हर मूवी में कोई ना कोई वीकनेसेस होती हैं। मुझे ऐसा लगा इसमें वायलेंस थोड़ा कम होना चाहिए था, वैसे फैमिली मूवी है, आप जाके देखिए, खून खराबा वायलेंस थोड़ा सा मुझे लगा कि इसके अंदर ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगा मायरा खान के जो फैन हैं उनको थोड़ा सा मुझे लगेगा कि इट्स नॉट अ काइंड ऑफ मायरा खान फिल्म, इट्स नॉट अ ग्लैमर फिल्म। और स्टोरी शुरू से आखिर तक बहुत अच्छी है, आप लोग बिल्कुल मूवी के अंदर कैप्चर रहेंगे। मूवी ज़रूर देखें। जे मौले नू मौला ना मारे ते मौला मरता नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।